निशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। विंद ब्यूटी पार्लर संगठन के द्वारा रीवा के रमा पैलेस में एक दिन का मेकअप और मेहंदी सेमिनार संपन्न हुआ। इस मौके पर भोपाल से आए मेकअप आर्टिस्ट ने जहां स्थानीय ब्यूटिशियन को मेकअप की बारीकी से परिचित कराया, वहीं दुल्हन के ऊपर किस तरीके से मेकअप करते हैं इसका विस्तार से परिचय भी दिया। साथ ही मेहंदी आर्टिस्ट भी इस मौके पर मौजूद रहीं, जिसको जज करने के लिए सतना से मंजूषा शाह, मनीष तिवारी, रीवा से वंदना गुप्ता, सुधा सिंह बघेल, रचना श्रीवास्तव, सीमा श्रीवास्तव मौजूद रहीं। ये सारे नाम अपनी फील्ड के बड़े नाम, इन्होंने एक एक करके सभी हाथ में लगी मेहंदी को बारीकी से चेक किया और उसी के हिसाब से नंबर दिए। स्कोर शीट तैयार की गई। 6 जजों के दिए हुए नंबर के हिसाब से स्कोर शीट तैयार करने के बाद विजेताओं को पुरस्कार से नवाजा गया, उनको ट्रॉफी भी दी गई, नगद पुरस्कार भी दिया गया। इस तरीके की प्रतियोगिता काफी अरसे बाद रीवा में हुई थी, जिसको लेकर प्रतियोगियों में भारी आकर्षण था। मेहंदी और मेकअप प्रतियोगिता को मिलाकर लगभग 500 से ज्यादा ब्यूटिशियन इस मौके पर मौजूद रहीं। आयोजकों को इतने भीड़ की उम्मीद नहीं थी, जिसके चलते दो अलग अलग हॉल में प्रतियोगिता को अलग अलग विधाओं में आयोजित कराना पड़ा। मेहंदी एक हॉल में तो दूसरे हॉल पर मेकअप प्रतियोगिता चल रही थी। इस तरीके का नजारा रीवा शहर में पहली बार देखा गया था। आयोजनकर्ताओं को साफ तौर से कहना था, हमें उम्मीद नहीं थी, हम अगली बार और बड़ी जगह पर बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित करेंगे। जिस तरीके से प्रतियोगी एन वक्त पर काफ़ी तादाद में पहुँच गए थे, उसको लेकर आयोजकों ने काफ़ी मेहनत करने के बाद बड़ी होशियारी से जगह का इंतजाम किया और दोनों विधाओं में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किया। आयोजकों का कहना, हम निकट भविष्य में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें देश के कई बड़े नाम भी मौजूद रहेंगे। मेहंदी और मेकअप कार्यक्रम को संपन्न कराने में विंद ब्यूटी पार्लर संगठन के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। हम आपको बता दें, रीवा सतना सीधी शेड्यूल को मिलाकर ब्यूटी पार्लर संगठन ने एक नया और बड़ा संगठन बनाया है, जिसमें तमाम महिलाओं को जोड़ा गया है, उन पुरुषों को भी जोड़ा गया है जो इस फील्ड में मौजूद हैं। विंद ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन का साफ तौर से कहना है, हमें रीवा सतना सीधी शेड्यूल की तमाम ब्यूटिशियन को इस फील्ड में साथ लेके आना है, जो इस फील्ड में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगातार काम कर रही हैं। सबको एक प्लेटफॉर्म में लाकर उनको बड़े शहरों की बारीकियों से इस फील्ड की परिचित कराना है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अंजुम जावेद, मुशीर खान, अर्शी खान, सुगंधा गुप्ता, संध्या श्रीवास्तव, श्रद्धा बल्ला, अर्चना सिंह, ज्योति सिंह, सीमा सिंह, सिमरन चोपड़ा, ममता वर्मा, पल्लवी भल्ला, प्रभा जायसवाल, गरिमा द्विवेदी, शिल्की गुप्ता, दीपिका श्रीवास्तव, सुप्रिया सिंह बघेल, सभा खान की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आयोजक चाहते हैं जिस तरीके से मेहंदी प्रतियोगिता में एक से बढ़कर एक प्रतियोगियों ने भाग लिया, तय नहीं किया जा सकता था किसकी मेहंदी सर्वश्रेष्ठ। कम से कम 15 से 20 ऐसे हाथ थे जिनमें एक बराबर मेहंदी लगी हुई थी, उनमें से विजेताओं को चुनना काफी मुश्किल काम था, ये कहना था एक्सपर्ट का, जो लगातार इस फील्ड से जुड़े रहते हैं। साफ तौर से ये माना जा सकता है, रीवा में मेहंदी आर्टिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट की कमी नहीं है, बस कमी है तो उन बारीकियों से उनको परिचित कराना, जो थोड़ी थोड़ी बारीकी अगर और सुधार लें तो उनके हाथ में वो हुनर, वो जादू हो जाएगा जो वो अपने थ्रू किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने में पर्याप्त होगा। ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।